वेलकम टू नया दौर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास अबीब राणा, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान नवाज। आज पाकिस्तान ने एक बेहतरीन जीत हासिल की श्रीलंका के खिलाफ, एक रिकॉर्ड टोटल अचीव किया, 300+ स्कोर किया वर्ल्ड कप के मैच में, और सबको हैरान कर दिया, सबको हैरान और परेशान कर दिया। और इतना क्लिनिकल था, अब्दुल्ला शफीक जो कि अपना पहला मैच खेल रहे थे वर्ल्ड कप में, उन्होंने आकर एक शानदार 100 किया, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ रिजवान ने उनका साथ दिया, और फिर नीचे जाकर साउद शकील और इफ्तिखार अहमद ने उसको फिनिश कर दिया। तो भैया मतलब कमाल नहीं कर दिया पाकिस्तान टीम ने, चाहे खाया स्कोर लेकिन मतलब कमाल बैटिंग यार, इतनी यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप खेल रही है। पहले तो और भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिस तरह से दो खिलाड़ी पहले आउट हो गए, इमाम उल हक और फिर बाबर आजम, और यकीन आ रहा था कि ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप से, जिस तरह से उन्होंने फिर बैटिंग स्टार्ट की। और यकीन इस ये नहीं आ रहा कि वो जीत गए हैं, वो जीत सकते थे, मार सकते थे, कुछ भी आप प्लेयर हैं जब खेलने के लिए गए हुए हैं पिच पे आप खेलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ये नहीं आ रहा था कि 6 की स्ट्राइक रेट से शुरू से लेकर आखिर तक 6 की स्ट्राइक रेट लेके चले आए। आपका स्ट्राइक रोटेट कर रहा था प्लेयर अब्दुल्ला शफीक हो या मोहम्मद रिजवान हो, और आप जिस तरह से फास्ट को खेल रहे थे उससे उस दूसरे एंड पे आप स्पिनर को खेल रहे थे। ये वाली यकीन की बात है, मैच जीतना ना जीतना ये कोई मतलब कि ये होता रहता है, हार जीत मुकद्दर होती है, फिर आप जिस तरह से खेलें। लेकिन निशान इसमें स्किल रिक्वायर्ड था, ये जो स्पिनर्स थे बिकॉज़ यू नो जो मतलब कह लें शुरू में तो उन्होंने 37 पर पाकिस्तान के 2 आउट कर दिए थे, और फिर उसके बाद जो स्पिनर्स थे उनके वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, और जो फास्ट बॉलर्स भी थे वो भी स्लो बॉल्स करा रहे थे, खेला नहीं जा रहा था, वही बात। लेकिन अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने, खासकर अब्दुल्ला शफीक, बिकॉज़ एट दैट टाइम ही वाज प्लेइंग स्पिन सो वेल कि वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कहीं पर अनकंफर्टेबल है। आप कोई भी प्लेयर अच्छा खेल जाता है, एक प्लेयर खेल जाए ना जब अच्छा तो आप जीत जाते हैं, वो किसी भी टीम से हो कोई भी मैच हो, लेकिन आपको देखना होता है कि उस मैच में आपने क्या गेन किया है या किस तरह से प्लेयर्स खेल रहे थे। आपको कभी कहा जाता है कि ना कि आप स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा नहीं खेलते, आपके प्लेयर कल 2 स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेले और सेंचुरी स्कोर की। आपको कहा जाता है कि आपका स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, आपके दोनों प्लेयर ने स्ट्राइक रोटेट करके ही टारगेट तक आपको लेके गए। आपको कहा जाता है कि आप 6 की रन रेट से स्कोर नहीं कर सकते, आपने 2 प्लेयर आउट होने के बाद वहीं से शुरू किया, 2, 3, 4, 5 पे जाते जाते 6 के स्ट्राइक रेट पे ले आए स्कोर को, और आखिर पे आपने आके आसानी से मैच जीत लिया। तो ये वाली चीज़ें देखने वाली हैं कि आपने आके धड़ल्ले से स्कोर कर दिया, या फिर कभी ऐसा होता है कि आपने स्कोर नहीं किया तो ये हार जीत होती रहती है। मतलब आई आल्सो वांट टू थैंक द हैदराबाद क्राउड, आई थिंक आपका बेहद शुक्रिया जो आपने प्यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिया, उसके लिए हम आपके मशकूर हैं। और मैंने आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नहीं दिखाई जा रही फॉर कॉपीराइट पर्पसेस, हम भी वो चीज़ें नहीं दिखा सकते, लेकिन टिकटॉक भरा पड़ा है। इंडियन क्राउड जब मैच के लिए आ रहा था तो उनसे इंडियन मीडिया पूछ रहा था कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान टीम को, इवन दो दे वर वेयरिंग इंडियन जर्सीज बट दे सेड कि वी आर हियर फॉर बाबर आजम, बाबर आजम, बाबर आजम, हर बंदा बाबर आजम का नाम ले रहा था, एंड दे सेड कि वी आर हियर टू सपोर्ट पाकिस्तान। और फिर क्राउड ग्राउंड में जब मैच हो रहा था तो दे वर चांटिंग एंड दे वर यू नो द चांट्स वर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, जब वो एक सिंगल भी लेते हैं, हाँ जीतेगा भी जीतेगा, एक्चुअली वो टिकटॉक पे वो भी पड़ा हुआ है कि जीतेगा जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, मतलब ये नारे लग रहे थे हैदराबाद में इंडिया में by the Indian crowd, so you know, thank you so much, हम आपका कितना शुक्रिया अदा कर सकते हैं, I don't know, but you know, thank you so much for that. और उसके अलावा वर्ल्ड कप में अब तक 5 दिन हो चुके हैं, आज 6ठा रोज है कि इतना क्राउड ही नहीं आया मैच देखने के लिए। पहला मैच ऐसा था कि स्टेडियम फुल नजर आ रहा था कि आपका पूरा वर्ल्ड कप जिसकी टीम जिस भी टीम का, इंडिया का मैच था दिल्ली में पिछला, इतना क्राउड नहीं नजर आ रहा था, तो और क्राउड की जानब कैमरा भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन कल ऐसा मैच था क्राउड की जानब कैमरा किया जा रहा था, पाकिस्तान के झंडे भी बीच में नजर आ रहे थे, और जिसने उठाए हुए थे वो इंडियन शर्ट में थे लेकिन पाकिस्तान के झंडे भी नजर आ रहे थे। तो ये बड़ी बात है कि इंडिया के शहर में मैच होना और वहां पे पाकिस्तान के बारे में नारे लगना, लाख के करीब तो होगा बंदा इजीली, लाख से भी ज्यादा होगा, स्टेडियम फुल नजर आ रहा था, सवा लाख की आई थिंक कैपेसिटी है उसकी, तो स्टेडियम फुल हो और पाकिस्तान का मैच हो तो फिर इससे एक बूस्टर भी मिलता है खिलाड़ियों को कि हमें सपोर्ट करने के लिए, और खिलाड़ियों ने शुक्रिया भी अदा किया है वहां से, जिस तरह से वो दोबारा ग्राउंड स्टाफ के साथ उन्होंने मतलब जिक्र भी किया है
कि जो ग्राउंड बाबर ने शर्ट दी है अपनी उन्हें शर्ट की है, और साथ में सबसे बड़ी बात है जब आप होटल में आया ना, होटल स्टाफ ने आपका इस्तकबाल किया है तालियां बजा के, नेदरलैंड्स के मैच के बाद भी बड़ा अच्छा किया था। नहीं, वो उसने रिजवान ने जिक्र किया कि जो ग्राउंडमैन है उसने मुझे कहा था कि यहाँ पर आपके 200 बनते हैं, तो एक तो नहीं हुआ नेदरलैंड्स के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर हो गया। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, रिजवान और शहीन की इंजरी। सो रिजवान ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उसने कहा आई एम ओके, उसने कहा उसने मुझे कोई मैजिक लिक्विड पिलाया, कोई दवाई होती है उसके लिए क्रैम्प्स के लिए, तो वो मैंने वो किया। अच्छा, इसकी हिस्ट्री में आपको थोड़ी सी बता दूं, देर आर प्लेयर्स जो 98 स्कोर पे खेल रहे थे और जो उनको क्रैम्प हुआ एंड ही हैड टू गो आउट, मतलब ऐसे भी प्लेयर थे, और उसके बाद उनका कोई इतना नाम भी नहीं हुआ। एक सियालकोट के प्लेयर थे शोएब मलिक, उनका जिक्र कर रहे थे टीवी पर, तो वो 2 स्कोर भी नहीं कर पाए, और मतलब ये इतना स्वेयर किस्म का होता है। तो रिजवान ने इन दैट मोमेंट मुश्किल उसने आपने टीम को सपोर्ट किया और 131 रन के बनाए। अब जो है साइंस ने भी तरक्की कर ली है, तो देर आर लिक्विड्स अवेलेबल और मेडिसिन अवेलेबल जो आपको फौरन ठीक भी कर देते हैं। तुम्हें पता है ना, पहले वो वसीम अक्रम जिक्र कर रहे थे कि पहले ये होता था कि वो कहते थे कि पानी से ना नमक पा के पीजो, जो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव होता था, वो आपको और डिहाइड्रेट कर देता था, तो वो नमक। लेकिन फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ये बात चलती थी कि जी और नमक से पानी पा के पीजो। तो एनीवे, तो ये अब इनकी रिजवान का तो आई थिंक इतना इशू नहीं है, शहीन का क्या? शहीन के बारे में कह रहे हैं इंजरी का कोई है, उसे बॉल वगैरह लगी है, और अब देखें क्या किस लेवल की है इंजरी, अभी तक इसका भी वो नहीं आ रहा। लेकिन ये कि बिठा दिया जाए या ना बिठाया जाए मैच में, इंडिया के खिलाफ तो नहीं बिठाना चाहिए ऑफकोर्स, उसका एक ग्रैंजर तो होता ही है बड़े प्लेयर का, और जब आपका एक बड़ा प्लेयर ना खेल रहा हो तो अब आपको खिलाना पड़ेगा। अब आप अगर गए हैं वर्ल्ड कप में तो आपको खिलाना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप अफगानिस्तान के खिलाफ और साथ में बांग्लादेश के खिलाफ, ये छोटे मैच हैं, इनके खिलाफ ना खिलाएं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप अफगानिस्तान के खिलाफ एक स्पिनर को डाल दें, क्योंकि उनके भी स्पिनर्स हैं तो पिच भी स्पिन होगी। अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि इंडिया किस तरह से आपको मतलब मुश्किल में डालने की कोशिश करेगा, तो वो स्पिन पिच बनाएगा, और पाकिस्तान स्पिन थोड़ा मुश्किल से खेलता है, और साथ में जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं वो भी स्पिन करते हैं, तो इसलिए आपको स्पिनर ले जाना चाहिए और शाहीन को बैठ जाना चाहिए। अच्छा, भी नहीं है। लास्ट थिंग, अब नाउ वी लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान इंडिया मैच, व्हाट डू यू थिंक क्या आउटकम होगा, कौन जीतेगा? पाकिस्तान और इंडिया का मैच तब से पहले होते हैं बातें, पहले प्रेशराइज ये वो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो टीम मैच डे पे ना अच्छा खेलेगी या अच्छे अपने आसाब पे काबू पा लेगी ना, वो अच्छा खेल जाएगी। इस जीत से क्या फायदा होगा? इस जीत से ऑफ कोर्स फायदा होगा, आप मैच से पहले तो खुद को कंट्रोल करेंगे ना कि भाई हम जीत चुके हैं। इससे ये था कि आपके माइंड में था कि हमारी बैटिंग अच्छी नहीं है, बैटिंग अच्छी नहीं, बैटिंग नहीं, लेकिन ये रिजवान ने ये बताया कि जब ड्रेसिंग रूम में गए तो उन्होंने जिक्र किया कि हमने 340 प्लस चेस किया हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान में लाहौर में, तो वी कैन डू इट। तो इससे कॉन्फिडेंस तो मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। और आपने वर्ल्ड कप में कर लिया सबसे बड़ा टारगेट, आपका 329 रन का टारगेट था जो आयरलैंड ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ किया था, और अब आप 2023 में 345 रन का टारगेट चेस कर रहे हैं, तो इससे और कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इससे बड़ी बात यह है कि अगला मैच आपका इंडिया के साथ है, आपको बूस्टअप मिलता है, प्रेशर थोड़ा कम होता है। और अगर उस दिन मेरे ख्याल में इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर होगा, मैच वाले दिन 14 तारीख को इंडिया पर ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि क्राउड 1,31,32,000 का क्राउड होगा, वो सारा का सारा इंडिया का होगा। लेकिन इस जीत का भी तो उसमें असर होगा ना, मतलब इस जीत का असर के साथ इंडिया साथ ने ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया ना, इट वाज फैबुलस, मतलब इंडिया ने जो कर छोड़ी है ना, इट वाज अ फैंटास्टिक मैच टू विन। उसके बाद एक तासुर आ गया था कि इंडिया इज द क्लियर फेवरेट इन दिस वर्ल्ड, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को इस तरह का मैच रहा है। लेकिन कल के बाद और इनको ये भी पता चल गया कि पाकिस्तान भी है पीछे। लेकिन मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ 14 तारीख की, कि वो 1,32,000 का क्राउड होगा, उसको कोई भी पाकिस्तानी आपको नजर नहीं आएगा, किसी को वीजा भी नहीं मिला, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, कैसे नजर आएगा भाई? मतलब प्रॉपर तरीके से किसी को आने नहीं दिया तो नजर कहां से आएगा? तो कोई भी नजर प्रेस नहीं। कॉन्फ्रेंस में भी आपको पता है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ऑनलाइन लिया, सवाल करने के लिए, ऐसे ही है। अब देखें जो वहां पे, अब उन पे प्रेशर ये होगा कि हम अपनी आवाम के सामने खेल रहे हैं तो परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब कि जब आप इम्पोज कर दिया जाए ना कि आपने परफॉर्म करना ही करना है, तो फिर मेरे ख्याल में आप पे प्रेशर बनता है कि आप इतनी आवाम के सामने और सारे अपने हैं सबके सामने, तो इस वजह से आप पे प्रेशर बनता है। पाकिस्तानी वो कल्ले हैं ना, कर जाएंगे तो कर जाएंगे, इनके पास हार वो वाली बात नहीं है कि करना है या नहीं करना, इनके पास ये है कि हम खेलने के लिए आए हुए हैं,
15 सिपाही है और आपका मुकाबला 132,000 लोग बैठे हुए उनके साथ है और 11 जो आपके प्लेयर्स मुखालफीन है उनके साथ है, तो फिर आप वो कहते हैं ना कि आधे मार वाली बात होगी तो आप कर जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर को कोई डर ये नहीं होगा, उन पे वो मेंटली तौर पे थोड़ा बहुत स्ट्रांग होंगे कि हमने। अच्छा, मैं आई प्रिडिक्ट के द नेक्स्ट मैच इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हसन अली। हसन अली ने दो मैचेस अच्छे खेले, प्रैक्टिस सेशन अच्छे, उसने प्रैक्टिस मैचेस भी अच्छे खेले। आई एम होपिंग, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील कि ही इज गोइंग टू परफॉर्म वे बेटर देन बिफोर अगेंस्ट इंडिया इन द अपकमिंग मैच, एंड आई होप कि वो परफॉर्म करे। सो लेट्स सी। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट करें और हमें अपनी जो राय है उसे आगाह करें। खुदा हाफिज़।